बारिश के मौसम में मूंग दाल की भजिया नहीं बनाए तो क्या बनाया तो आज हम सबसे पहले मूंग दाल की भजिया बनाएंगे और साथ में चटनी भी बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ब्लेंडर जार लिया है जार में डालेंगे हम सबसे पहले धनिया तो पहले हम चटनी बना रहे हैं तो धनिया डालेंगे साथ में साथ ही साथ डालेंगे इसमें हम और भी कुछ डालेंगे तो मैंने धनिया डाली है साथ में डालेंगे पुदीने के पत्ते खूब सारे डालेंगे पुदीने के पत्ते बढ़िया धनिया पुदीने की चटनी बनाएंगे हम तो फिर इसमें हरी मिर्चा डाल देंगे आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं फिर डालेंगे इसमें लहसुन की कुछ कलियाँ साथ में डालेंगे थोड़ा ज़ीरा ज़ीरा डालने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा अदरक साथ में डालेंगे हम इसमें टमाटर तो टमाटर के मैंने छोटे टुकड़े करके रखे हैं अच्छे से पिस जाएगा ये नमक डालेंगे थोड़ा फिर इसको हम अच्छे से बंद करेंगे और इसकी एक चटनी रेडी कर लेंगे चटनी हमारी रेडी हो गई है इसको ट्रांसफ़र करेंगे मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादा महीन नहीं पीसा है अब उसी जार में डालेंगे हम हरी धनिया हरी मिर्चा और डालेंगे अदरक मूंग दाल को मैंने पहले ही भिगो के और धो के रख लिया था तो इसको मैंने दो तीन घंटे के लिए सोक किया है सारी दाल इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे इस तरीके से मिक्सचर इसका रेडी हो गया है बैटर हमारा रेडी हो गया इसको किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे फिर इसमें ऐड कर देंगे हम खूब सारी प्याज जो स्लाइस में कटी हुई रखी थी वो डाल देंगे इसमें खूब सारी फिर डालेंगे खूब सारा धनिया बारीक बारीक इसको काट के रखा था फिर इसमें ऐड कर देंगे हम मूली के पत्ते मूली के पत्ते ज़रूर ऐड करें बहुत ही गजब का टेस्ट आता है इसमें जो बरसात में मिल भी जाते हैं ईजिली फिर इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और बढ़िया से करेंगे इसको हम मिक्स हाथों की मदद से करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसको गर्मा गर्म तेल में हम इसको छोटे छोटे भजिए डाल के डीप फ्राई कर लेंगे अच्छे से बहुत ही केयरफुली डालना है तेल उचक ना जाए अच्छे से इसको गोल्डन फ़्राई करेंगे हम अलटते पलटते रहेंगे इसको चलाते रहेंगे कहीं ज़्यादा खरे ना हो जाएंगे अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे इस तरीके से आपने देख लिए हैं इस तरीके से हो जाएंगे तो हम इनको किसी बर्तन में निकाल लेंगे ट्रांसफ़र करेंगे इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है बन के तैयार हैं बरसात स्पेशल मूंग दाल के मंगोड़े और धनिया पुदीने की चटनी